नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बढ़िया टेस्टी नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि आप देखते ही बनाएंगे। हमेशा की वही इडली और सैंडविच खाने से मन भरा हो तो आप यह नाश्ता ज़रूर बनाएं। तो फिर चले, बचे हुए इडली बैटर से हम यह नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आलू की स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए पैन में 3 चम्मच तेल डाल के, तेल गर्म होने के बाद डालेंगे आधा चम्मच राई। जैसे ही राई चटक जाए तब डालते हैं आधा चम्मच जीरा। अभी बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्ची डालकर 4 से 5 कड़ी पत्ते डालते हैं और बाद में थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं। अभी बारीक कटा हुआ एक छोटा सा प्याज डाल के प्याज को भी भून कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करके 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और बाद में इन्हें भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून कर लेंगे। तो अभी डालते हैं मैश किए हुए आलू। यह मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके लिया है। तो अभी डालते हैं स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अभी इसे अच्छे से मिलाते हुए स्टफिंग बनाते हैं, ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। तो इसे निकल के एक अलग से बाउल में लेंगे और बाद में इसमें से थोड़ी स्टफिंग लेकर एक टिक्की बनाते हैं, जैसे कि वड़ा पाव के लिए बनाते हैं वैसी। इसी तरह आप भी सभी टिकिया एक साथ बना के तैयार करें और बाद में सैंडविच मेकर को लेकर उसे तेल से ग्रीस करिए। चाहे तो आप बटर भी लगा सकते हो, जो भी लगाना है वो दोनों साइड से लगा लीजिए। तो ये मैंने बचा हुआ इडली बैटर लिया है, जिसे कि आप सभी बनाना तो जानते ही होंगे। तो पहले हम लगभग 1 बड़ा चम्मच बैटर को सैंडविच मेकर में डालते हैं। अभी जो हमने आलू की टिक्की बनाई थी उसे इस पर रखेंगे और बाद में और 1 बड़ा चम्मच बैटर को टिक्की के ऊपर डाल देंगे और इक्वली बैटर को फैलाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, सैंडविच मेकर को बंद करके इसे उठा के हम चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को स्लो रखकर इसे सेक लेना है, यानी कि आधा आधा मिनट रुक रुक के सैंडविच मेकर को 2-3 बार अलट पलट कर सेक लेंगे। अभी चेक करते हैं कि यह पका है कि नहीं। ये देखिए, इस साइड से तो ये अच्छे से पक चुका है। अभी दूसरे साइड से भी देखते हैं कि यह पका है कि नहीं। ये देखो आप, इस ओर से भी पक चुका है, यानी कि हमारा यह नाश्ता दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है और दिखने के लिए भी एकदम बढ़िया दिखने लगा है। तो अब मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ। तो इडली सैंडविच खाने से आप हुए हो बोर तो इसे जरूर ट्राई करें। हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।